किस तरह वेख रहे हो जी अज्जे देखो मैं प्रोग्राम समझता को? कि अज का जिहड़ा एक साल भगवंत मान जी की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी सरकार का अज पूरा होया यह एक बेमिसाल एक साल है क्योंकि जो काम लोगों के 75 सालों के नहीं हुए भगवंत मान जी ने तो उन्होंने सरकार ने एक साल के पूरे करके दिखाए ने और मैं समझदा कि बाकी सारिया चीज़ों नालों डिवेलपमेंट दल्लों कामों नालों सब तो वड्डा वड्डी जित एक साल की भगवंत मान जी की और उन्होंने सरकार की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब की यह है कि जो लोगों का विश्वास बन चुका सी कोई सरकार कोई पार्टी कोई पोलीटिकल लीडरशिप ईमानदार हो ही नहीं सकती वो धारणा पंजाबियों की तोड़ दी मान साहब ने और उन्होंने सरकार ने तो अज लोगों के विश्वास बन चुका कि कोई पार्टी कोई लीडर ईमानदार भी हो सकता तो जदों सरकार ईमानदार हो जाएगियाँ तो फिर पंजाब नू एक नंबर का सूबा बनाने रंगला पंजाब बनाने के बहुत समय नहीं लगता सरकार दे महकमे दा जिहड़ा फेर बदल होया उहदे तुहाडे विभाग बदले गए तुहाडे संतुष्ट नहीं सी मुख्यमंत्री तुहाडी कारगुजारी देखो इस तरह कि यह एक नॉर्मल रूटीन का प्रोसैस है और यह माणयोग मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव हुंदा है कि उन्होंने अपनी टीम के किस साथी तो की काम लेना है सो यह एक नॉर्मल प्रोसैस है ये होर कहन या समझन कुछ नहीं है अमन जी अब प्रकाश सिंह बादल होर जमानत मिली है जो एल के यादव होर की एस आई टी वालों रिपोर्ट चार्जशीट दायर की गई थी हालांकि सुखबीर सिंह बादल होर की जमानत अर्जी है जी रद्द कर दी गई किस तरीके वेखते हो कि एक उस समय के मुख्यमंत्री सन उन्होंने जमानत मिल चुकी है तो गृहमंत्री होर जमानत नहीं देखो मैं उन्होंने ऑर्डर क्योंकि हमने मान साहब के घरों पाठ तो निकलिया पिछले दो ढाई घंटे देती सके मैं ऑर्डर पूरी चंगी तरह ना सुनया ना पढ़िया सो वो बारे मैं तो सिर्फ इन्ना कि जो मैनू मैं पढ़िया नहीं है टैक्नीकली नहीं मैं कुछ कह सकता है पर जो मैनू एज ए लेमैन समझ आउंदी उह शायद रीज़न ये होवे कि वड्डे बादल साहब की उम्र के लिहाज में देखते हुए शायद कोर्ट ने फैसला लिया हो बाकी जे सुखबीर बादल होना दी या बाकिया की जमानत रद्द की है तो यह मतलब तो यही होया कि कोर्ट यह कंसिडर करती है कि वह गिल्टी सीगे सो इस करके बाकी डिटेल्स ने जिहड़ियां एक बार ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा जी ओके।